अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद नबील है और मैं फोर्थ ईयर MBBS का स्टूडेंट हूँ। देखें, आज का जो टॉपिक पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ हेड एंड नेक एनाटॉमी, यानी हेड एंड नेक के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए। अगर वो आप पढ़ लेते हो, एटलीस्ट आप पास हो जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैंने दो टॉपिक्स लिख लिए, डीप सर्वाइकल फेशिया और ट्राइंगल्स ऑफ द नेक, यानी ट्राइंगल जो नेक के होते हैं ना, उनकी डिटेल। अब उसके बाद जो है ना, वो कौन कौन से हैं वो वन बाय वन देखते हैं, ठीक है। उसके बाद है पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड को भी आपने ओवरऑल डिटेल में पढ़ना है, उसकी नर्व सप्लाई, उसकी ब्लड सप्लाई, ठीक है, उसकी वेनस ड्रेनेज, ऑल डिटेल, कंटेंट वगैरह वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सप्लाईज के अंदर आपने इसकी सब कुछ पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद आप करेंगे कैवर्नस साइनस को करने के बाद आप पढ़ेंगे सॉफ्ट पैलेट, उसकी डिटेल पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ेंगे फेरेंक्स, ठीक है। फेरेंक्स के बाद आप आए नेजल सेप्टम पे, उसके बाद आप पढ़ेंगे इसमें लैरिंग्स, ठीक है। और उसके बाद आप पढ़ेंगे लैरिंग्स के बाद पढ़ेंगे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या फिर मिडल एयर कैविटी, ठीक है। उसके बाद यानी कि टिम्पैनिक कैविटी होती है ना, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, तो आपने इसमें आ जाना है मिडल ईयर भी पढ़ लेना है इसी में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ मिडल ईयर, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेजल सेप्टम भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इन चीज़ों को नहीं छोड़ना। उसके बाद का जो टॉपिक है वो है हमारे पास टंग, ठीक है, और टंग की क्या ब्लड सप्लाई, ठीक है, ये चीज़ें हमने लाजमी देखनी है। उसके बाद हमारे पास आती है फेस की नर्व सप्लाई, ठीक है। फेस के नर्व सप्लाई के बाद आप आएंगे टिम्पैरोमैंडिबुलर जॉइंट, ठीक है, टिम्पैनो, ठीक है, मैंडिबुलर जॉइंट, ठीक है। उसके बाद आप आएंगे यहाँ पढ़ेंगे वेनस ड्रेनेज ऑफ द फेस, बहुत इम्पोर्टेंट है, वेनस ड्रेनेज ऑफ द फेस। वो पढ़ने के बाद आप पढ़ेंगे इसमें एक्सटर्नल इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। ये पढ़ने के बाद आप आएंगे ब्रेन की ब्लड सप्लाई पे, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड की ब्लड सप्लाई, ठीक है। उनको करने के बाद आप जो है इसमें पढ़ेंगे टॉन्सिल्स के बाद आप पढ़ेंगे उसमें ऑल फैक्ट्री फेशियल, ठीक है, वेगस और ट्राइजेमिनल, ठीक है, ऑप्टिक प्लस ट्राइजेमिनल, ट्राइजेमिनल, एक दो तीन चार पाँच, ये पांच नर्व है, इनको अच्छी तरह पढ़ना है आपने, ठीक है। इसी के अंदर ऑल्फैक्ट्री फेशियल वेगस ऑप्टिक ट्राइजेमिनल, इनको अच्छी तरह पढ़ लेना है। उसके बाद आप आएंगे मसल ऑफ मस्टिकेशन पे, मैं लिख रहा हूँ मस्टिकेशन मसल्स, उनको अच्छी तरह पढ़ लेना है। फिर आप आएंगे मैक्सिलरी आर्टरी, और इसके बाद केसल बैच प्लेक्सिस, यानी नाक के अंदर एक प्लेक्सिस होती है ना, नोज़ के अंदर
एपिस्ट्रेक्सिस यानी कि नोज की ब्लीडिंग, तो उससे एमसीक्यूज आ सकता है, और केसल बेस्प्लेक्सिस यानी किस कौन कौन से आर्टरीज हैं ये आपको आना चाहिए। मैक्सिलरी आर्टरी हो गया, ठीक है, फिर आपने इसमें पढ़ लेना है और क्या रहता है इसमें, ठीक है, ये कुछ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके बाद आप आई के मसल्स, कैरोटिड शीट भी कर लेना है, ठीक है, कैरोटिड शीट, आई के मसल, ठीक है, आई मसल्स, इसको आपने नहीं छोड़ना, ठीक है, जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। ये करने के बाद आप लास्ट में, ठीक है, और क्या पढ़ेंगे, ये अपना टिम्पैनिक, नहीं टिम्पैनिक कैविटी तो हो गया, टंग की नर्व सप्लाई भी हो गई, तो मेन चीज़ें ये बच जाती हैं, ठीक है। और ये देखें आपने इस चीज़ को नहीं भूलना कि आपको इसमें से आप इसको स्किप करेंगे, देखिए इनमें से कुछ भी स्किप नहीं करना आपने, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो इन इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपने पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि आप एक भी चीज़ मिस करेंगे ना तो आपके लिए मतलब अच्छा नहीं होगा। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट और भी है, सर्कल ऑफ विल्लस, सर्कल ऑफ विल्लस आपसे पूछा जाता है वाइवा में भी, या फिर आपका शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ सर्कल ऑफ विल्लस फाउंड, तो आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको करना है, ठीक है, कि सर्कल ऑफ विल्लस किस कैसे और किस तरह बनता है, ठीक है। लेकिन बहुत ये टॉपिक्स बताने का मकसद ये था कि आपका जो मेन टॉपिक्स है ना वो कवर हो जाए, यहाँ तक ये पढ़ने के बाद एटलीस्ट आप पास हो जाएंगे, ठीक है, और कोई इतनी परेशानी की बात नहीं होती। और देखिए इसके अलावा भी आपका कोई टॉपिक है ना तो आप हमें चैनल कमेंट बॉक्स में कमेंट बता दें, हम आपके लिए वो टॉपिक की वीडियो भी अपलोड कर देंगे। तो एक चीज़ अगर मैं और यहाँ पर ऐड कर दूँ, तो आपने टेरिगो पैलेटाइन फोसा भी पढ़ लेना है, ठीक है, टेरिगो पैलेटाइन, ठीक है, टेरिगो पैलेटाइन फोसा आपने इसको भी लाजमी पढ़ना है, ठीक है। बस ये मेन चीज़ें, एंसा सर्वाइकल इस पर को भी कर लें, ठीक है, एंसा सर्वाइकल इस।